बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर के नूरपुर में जिम करके घर वापस लौट रहे युवक पर आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से किया हमला। पीड़ित ने वहां से किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। आपको बता दें कि थाना नूरपुर के मोहल्ला बाजारान का रहने वाला फैजान 14/9/22 की शाम लगभग 7:15 बजे जिम करके घर वापस आ रहा था। जैसे ही वे और न्यूलाइट पब्लिक स्कूल के पास पहुंचा, तो पहले से ही घाट लगाए बैठे बदमाशों ने उसे रोक लिया और जान से मारने के इरादे से हमला करना शुरू कर दिया। हमला होते देख फैजान वहां से स्कूटी छोड़ अर्नू मेडिकल की ओर भागा और अपनी बामुश्किल जान बचाई। वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और उसके साथ जो भी हुआ उसने अपने परिजनों को बताया। फैजान ने बताया एक के हाथ में तमंचा था और बाकी के हाथ में लाठी डंडे थे। सभी हमलावरों ने अपने मुंह को रुमाल से ढक रखा था। फैजान ने बताया वे उन बदमाशों को सामने आने पर पहचान सकता है। पीड़ित पूरी तरह डरा हुआ सहमा हुआ है। बताया जा रहा है सभी आरोपियों की तस्वीरें आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। अगर फैजान आरोपियों के हाथ लग जाता तो वे उसकी जान भी ले सकते थे। पीड़ित के पिता अब्दुल कयूम की ओर से नूरपुर पुलिस को शिकायती पत्र देकर सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं थाना प्रभारी धीरज सिंह सोलंकी ने बताया मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। आज आप थाने गए थे, क्या है? उसमें मेरा छोटा भाई है, वो जिम से वापस आ रहा था, तो लगभग 10-15 के आसपास लड़के थे या बदमाश टाइप के कुछ लोग थे, तो वो पहले से ही मतलब मौजूद थे। उन्होंने छोटे भाई की स्कूटी के आगे अपनी स्कूटी लगाई, उसके बाद उसको जो है वो स्कूटी छोड़ के भागा, तो उसको थोड़ा बहुत चोट भी लगी उसको, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। उनके हाथ में तमंचे वगैरह भी थे और दूसरा मतलब पूरी मारने की प्लानिंग थी एकदम। वो घर पर भागा भागा आया, 4-5 लोग लेके आए उसको, तब बताया उसने सारी चीज़ें, हमने पता किया अभी क्या मसला है क्या नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मेरा कोई मामला नहीं किसी तरह का, और पता नहीं अचानक कैसे लोग मुझे मारने के लिए आ गए। तो थाने में हम लोग इसलिए गए थे, जब बाद में पता किया तो कुछ लोग इधर बूढ़पुर साइड के हैं, तो उन लोगों ने हमला किया था। अब वो लोग तो कह रहे हैं कि थोड़ा मतलब हम किसी और पे हमला कर रहे थे, लेकिन हमला गलती से उस पे हो गया। लेकिन आज भाई की मेरे बस जान बच गई, ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही बड़ी घटना होते होते आज जो है नूरपुर के अंदर जो है बच गई। बस आज हम लोग तो बिल्कुल ही मर जाते अगर कुछ ऐसा मामला हो जाता, तो बस ऊपर वाले का बड़ा रहम करम रहा। हाँ, सीसीटीवी कैमरे चेक किए थे हमने उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो एक अनु मेडिकल है वहाँ का कैमरा, उसमें भी वो लोग आए हैं, और एक दूसरा कैमरा है स्कूल का कैमरा है वो, उसमें भी वो लोग आए हैं, और एक उसके आगे भी कैमरा है उसमें भी वो लोग आए हैं, एक दुकान का कैमरा है, तो दो की फोटोज़ तो मेरे पास मैंने ले ली हैं। बाकी स्कूल तो दोपहर बंद हो जाते हैं, अब कल मॉर्निंग में स्कूल की हम फुटेज लेंगे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी इस पे, और उन लड़कों से बात की जाएगी, उनको बुलाया जाएगा। तो मैंने कहा हाँ, इसको पता करो, कभी कल फिर दोबारा हमला हो या कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए जिससे परेशानी का मामला बने। तो बड़ा चिंताजनक मामला रहा, बिल्कुल एकदम जैसे बदमाश टाइप के होते हैं, गुंडागर्दी टाइप की होती है, उस तरह का माहौल था। एक दफ़ा को तो ये सोचे पता नहीं किडनैप करने आ रहे हैं या फिर क्या, तमंचे वगैरह हाथ में थे, हो सकता है उनकी मारने की मंशा हो सकता मार देते। वो तो थोड़ा लक रहा कि वो थोड़ा भागा आगे, तो आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, तो वो लोग पुलिस की गाड़ी को देख के जो है वापस भाग गए, वरना काफ़ी दूर तक पीछा किया उसका।